नमस्ते, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। इसके लिए हम लिया है केला, देसी वाला केला लिया है। अब इसको हम अच्छे से पानी से धुल लेंगे। लगभग 1 किलो केला लिया है, इसको अच्छे से पानी से धुल लेंगे। पहले तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद इसको धुल लेते हैं, क्योंकि इस बरसात के मौसम में थोड़े बहुत इसमें कीड़े वगैरह चपके रहते हैं, इसलिए अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद हम कुकर में रख रहे हैं इसको, ऐसे में कुकर में रख देना है। थोड़ा सा इसमें 1 गिलास पानी डालना है, छोटे वाले गिलास से 1 गिलास पानी डालना है। लगभग 250 ग्राम पानी डालना है। उसके बाद हम कुकर पे चढ़ा देंगे गैस जला के, कि अच्छे से थोड़ा उबल जाए, कम से कम 2 सीटी इसमें आ जाए। तब तक उधर उबल रहा है, तब तक हम इधर मसाला तैयार कर लेंगे। ये हमने प्याज छील के काट लिया है, लहसुन, थोड़ी सी बड़ी इलायची, काली मिर्च, जीरा, हरा मिर्चा, इसको हम पीस लेंगे। मसाला पीस के रख लेंगे। और इधर हमने जो केला उबाल के रखा था उसको छीला है। छीलने के बाद उसको हम मीज लिए हैं, उसमें थोड़ा सा हींग, नमक और थोड़ा सा लाल कुटा मिर्चा पाउडर डाल के उसको अच्छे से सान लिए हैं। खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं डालना है। इधर नॉन स्टिक कढ़ाही में उसी में बनाएंगे। उसमें हम तेल डाल के, कड़ुआ तेल डाल के चढ़ा दिया, गर्म हो रहा है। अच्छे से गर्म हो जाता है तो जल्दी बन भी जाता है। तब तक उधर हम गोला बना के रख रहे हैं उसका। हमने गोला बना के रख दिया था, इसमें हम डाल देंगे सारे गोले को। तेल उतना ही डालिए जितने सब्जी बनाने में आपको लगे। ज़्यादा डालने से तेल जलने के बाद ख़राब हो जाता है, नुकसान भी करता है यूज करने पे। इधर थोड़ा सा ही तेल डालिए और उसको चलाते रहिए बराबर, कि अच्छे से हो जाए, कच्चा भी नहीं रहे। उसको हम बराबर चला लेंगे। अभी तो बना बना के गोले पूरे डाल रहे हैं। ऐसे हमको डालना है, किनारे से डालना कि तेल छिटके नहीं। अगर तेल छिटकेगा तो जल जाएंगे, इसलिए आराम से डालिए बना बना के गोले। ये गोले अच्छे से फूल भी जाते हैं, बहुत तेज़ आँच पे बनाना भी नहीं है, मीडियम पे, क्योंकि तेल पहले गर्म हो गया था। अब आप आँच को स्लो कर दीजिए और धीरे धीरे ये पक जाएगा, लाल हो जाएगा। जब लाल होगा तभी अच्छा रहेगा, अंदर कच्चा ना रहे। इस तरीके से सारे बाल को डाल देंगे एक एक करके, और जिधर पहले डाले हैं उधर नहीं डालना है। उधर धीरे से फिर चलाना रहेगा, क्योंकि फिर अगर एक बैग सब में डाल के चलाएंगे, जो पहले डाले हैं पक जाएगा तो फिर फूटने का डर रहता है। देखिए हमने लगभग सारे डाल दिए हैं बाल, अब इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, 1-2 बाल और आ सकते हैं। साइड में एक और आएगा। उसके बाद हम धीरे से इसको उलट देंगे। देखिए इसे उलट रहे हैं, एक एक करके आराम से उलट देंगे कि फूटे नहीं और ना कटे। आराम से उलटते जाएंगे सबको, सारे को। देखिए सारे को उलट रहे हैं, आराम से उलटिए। अब इधर हो रहा है, तब तक थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो है खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर इसमें मीठा सोडा अगर आपको नहीं डालना है, मीठा सोडा डालने पे नुकसान भी करता है, क्योंकि वैसे आजकल हर चीज़ में मिलावट रहती है, इसलिए मीठा सोडा वगैरह ज़्यादा ना यूज करें, और एकदम ना यूज करें तभी अच्छा है। एकदम फूल भी जाता है, थोड़ा सा सानना रहता है, सान के आधे घंटे पहले रख देना रहता है, तभी अच्छे से फूल जाता है। अब इसको हम एक एक करके पलट लेंगे। ऐसे पलटना है, देखिए एक तरफ लाल हो गया है, थोड़ा सा हरा गया है। अब ये भी तैयार हो जाता है, फिर इसको हम निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया है, पहले बना के रखा था उसको दिखाए हैं। अब ये हो रहा है,
जब ये भी लाल हो जाएगा इसको भी निकाल लेंगे। इसको बराबर चलाते रहेंगे ये अच्छे से हो जाए। अब इसको भी हम निकाल लेंगे, एक करके छान लेंगे तेल ना रहे, और सारे को निकाल लेंगे। देखो लगभग मेरा निकल गया है, इस तरह के निकाल के रख दिया इसको, ये मेरा बन गया है। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, अगर बच्चे खाना चाहते हैं। हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको सूखा खाने के लिए, हम लोग खाते भी हैं, इसलिए हमने ज़्यादा बना के रख दिया है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा है, इसमें हम डाल देंगे तेज पत्ता, मेथी, अब इसमें हम मसाला जो पीस के रखे थे उसको छौंक देंगे, प्याज, अब इसको हम चला देंगे अच्छे से। कटोरी भी धुल के उसमें डाल देंगे, थोड़ा सा उसमें लगा है जो, उसको हम चला देंगे। अब इसको इतना भूनेंगे जब तक तेल नहीं छोड़ता है, उसको बराबर हम भूनते रहेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग डाल देंगे, हल्दी पाउडर हमने डाला है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसको हम अच्छे चला देंगे, मिलाते रहेंगे बराबर कि बराबर अच्छे से मिल जाए। अब इसमें थोड़ा सा हम हींग भी डालेंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। हमारे साथ पास गरम मसाला ख़त्म था, बिरयानी रखा था, बिरयानी मसाला, उसको हमने हल्का सा ऐड कर दिया है। इसमें गोल्डी मसाला का पाउच रखा, उसको भी डाल देंगे दो-तीन पाउच, थोड़ा सा अच्छा और टचकपटा बन जाए। इधर हमने धनिया धुल के रख दिया है, अब इसको बाद में काटते हैं। ये गोल्डी मसाला, इसको भी सिम डालेंगे। गरम मसाला ख़त्म था इसलिए हमने ही मंगा लिया है, इसको भी सिम डाल दे रहे हैं ताकि स्वाद थोड़ा और अच्छा आ जाए। इसको हम चलाते रहेंगे जब तक तेल नहीं छोड़ता है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे। इसको भी चला देंगे अच्छे से मिल जाए। अभी देखो मसाला तेल छोड़ने लगा है, जब मसाला तेल छोड़ देता है तभी अच्छे से होता है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, मसाला मेरा लगभग भून गया है। देखिए अच्छे से मसाला छोड़ दिया है, अच्छे से भून भी गया है। मसाला जितना अच्छा भुना रहता है स्वाद उतना ही अच्छा होता है, इसलिए मसाला खूब अच्छे से भून लेना चाहिए। मसाला भुनने पर स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है, और मसाला कच्चा रहता है तो कचाहन कचाहन टाइप का आता है। ये देखिए इसको बराबर चलाते रहेंगे, नहीं नीचे पकड़ लेगा। इस समय टमाटर बहुत महंगा है, इसलिए थोड़ा सा दही ऐड कर दिए हैं, ये टमाटर हमारे पास था नहीं। अगर आपके पास टमाटर तो हम टमाटर भी पीस के डाल सकते हैं, अगर टमाटर नहीं है तो आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं, हमने इसमें दही ऐड कर दिया है। ये देखिए इसको हमने अच्छा चला दिया है, थोड़ा सा ये भी पक जाए, इसमें पानी डाल देंगे,
जितना रसा बनाना है उतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें पानी डाल दिया है, अच्छे से इसको चला देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसका इंतज़ार करने के उबाल आने तक, तब तक इधर धनिया पत्ती हम काट लेते हैं। मैंने इधर धनिया पत्ती भी काट के डालना रहेगा, हमने काट लिया, धनिया पत्ती भी इसमें डाल दिया है। इसमें उबाल आने वाला है तो चलाते रहेंगे बराबर। ये उबलने लगा है, अच्छे से देखिए उबल रहा है। अभी मैं जो बॉल बना के डाले रखे थे अब उसको डाल देंगे। ये मेरा पक गया है अच्छे से कम 10 मिनट से उबल रहा है, पानी पक गया है। पानी पकने के बाद बाल डालिए, क्योंकि बाल डालने के बाद 5 मिनट उबालना है, उसके बाद बंद कर देना है, ये सारे बाल फूट जाते हैं। हमने बाल इसमें डाल दिया है, ये देखिए अभी डाल रहे हैं बाल। सारे बाल डाल देंगे, देखिए हमने सारे बाल डाल दिए हैं। इसको हम चलाते रहेंगे। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोग के यहाँ भी ऐसे बनता है कि अलग तरीके से बनता है, जिस भी तरीके से बनता है, अगर इस तरीके में बनता अलग बना बनता है तो उसकी भी रेसिपी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके बनता है। ज़्यादा लोगों ने शेयर कर लिया था, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, वॉच टाइम भी पूरा हुआ है, हो गया है। आप लोग साथ देंगे तभी पूरा होगा, इसलिए आप लोगों से हाथ धो कर प्रार्थना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि रेसिपी आपको बहुत कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा कुर्ता तैयार हो गया है और इसको हम बंद कर देंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। ये देखिए हमने बाद में फ़ोटो डाल दिया है, बनने के बाद इस तरह तैयार हुआ है।